अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैंने बच्चों की फरमाइश पे इडली सांभर और उसी के साथ खोपरे की कोकोनट चटनी और टमाटो की चटनी तीनों चीज़ बनाई थी। और ये तीनों चीज़ जब इडली के साथ बनती है तो क्या ही मैं आपको बताऊँ, इतना अच्छा टेस्ट आता है इसमें, बहुत ही मज़ा आ जाता है। और हाँ, यही सब चटनी के साथ हम डोसा, इसका बेटर बच गया था तो मैं अगले दिन उसका डोसा बनाई थी, जैसे कि अंडा डाल के भी बना। सिंपल डोसा तो कोई खाता नहीं है, उसमें अंडा डाल के बनाती हूँ तो सबको बहुत पसंद आता है। तो बस मैं अपनी मतलब सब्ज़ियाँ काट दी थी। और हाँ, इसके अंदर मेरी एक सब्ज़ी मिस थी, जैसे कि वो लंबी सी सेंगट की फली आती है, वो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी मंडी यानी सब्ज़ी मार्केट में नहीं मिली थी। तो मैंने बस यही सब सब्ज़ी डाल के एक साथ उसमें हल्दी मिर्ची नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के चढ़ा दिया था, क्योंकि टाइम बहुत कम था, यानी कि दोपहर तो हो गई थी और बच्चों को भूख लगी थी। तो मैंने फटाफट इसी तरह से सांभर बना दिया था, नहीं तो हमेशा जैसे मैं पहले सब्ज़ी को कांदा मिर्ची और सब्ज़ी कढ़ाई में डाल के अच्छे से फ्राई करती हूँ, अलग से दाल बना के उसी के अंदर मैं डाल के मिक्स कर देती हूँ, तो वो बहुत ही अच्छा टेस्टी सांभर बनता है। और ऐसा नहीं कि ये सांभर टेस्टी नहीं बनता है, ये भी बहुत टेस्टी बनता है। बिल्कुल इसी तरह से बनाना तो आपका सांभर सच में बहुत टेस्टी बनेगा। और मैंने दाल को रात में ही भिगा के रख दिया था, तो फिर मैंने सुबह उठते ही इसको पीसा, और पीसने के बाद मैंने इडली बनाने की तैयारी की थी। और ये जो मेरा इडली बनाने का सांचा है ना, तो ये बहुत छोटा छोटा सी, तो इसमें ना वो छोटी छोटी सी इडली बन रही थी, तो ज़्यादा मतलब अब बस ले तो ली थी, मुझे पता तो था नहीं कि ये इतनी छोटी सी बनेगी, छोटा सा था, प्यारा सा था, तो मैंने बस ले ली थी कि बस अच्छा लग रहा है और ज़्यादा जगह भी नहीं गिरेगी, तो बस मैंने बना ली। और हाँ, इसी तरह से मैंने इडली इसमें बनाने रखी थी, और मेरी इडली इतनी अच्छी सॉफ्ट स्पॉन्जी एकदम मस्त बनी थी, क्या ही मैं आपको बताऊँ। और इसी के साथ साथ मैं अपनी कोकोनट की चटनी की तैयारी कर रही थी, जैसे कि कोकोनट की चटनी के लिए मैंने उसके अंदर कोकोनट में जैसे मिर्ची और वो फीकी दाल आती ना, वो लहसुन ये सब डाल के उसको पीस के फिर उसको मैंने तड़का देती थी। उसी के बाद मैंने टमाटो की चटनी भी रेडी की थी। तो ये देखिए, मैंने अपनी इडली आपको बता रही, तो इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट बनी थी, है ना, स्मॉल छोटी सी, मगर कोई बात नहीं। तो बस मैंने अपनी स्पॉन्जी सी इडली बता दी थी, जैसे कि आपको दिखाई मैंने। फिर ये मैं अपने टमाटर की चटनी बना रही थी, इसी में मैंने कांदा और सूखी मिर्ची को फ्राई करा, उसी में टमाटो डाल दिया था मैंने, तो साथ ही साथ टमाटो डालने के बाद मैंने उसको थोड़ा फ्राई करी, और फ्राई करने के बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। और ये इतनी अच्छी बनती है ना टमाटो की चटनी, और ये साथ ही साथ कोकोनट की चटनी, जैसे कि मैं आपको बता दी थी, ठीक है। तो बस इसी तरह से मैंने अपना वीडियो भी शूट कर दी साथ ही साथ, और क्योंकि एक तो मैंने फ़ोन जैसे कि मोबाइल मैंने ऊपर ये लॉन्ग वीडियो के लिए बनाई थी, और एक शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर रही थी, क्योंकि फटाफट जैसे शॉर्ट वीडियो जल्दी से हो जाती ना, और ये लॉन्ग वीडियो के लिए उसमें बोलना पड़ता है, फिर उसको अपलोड करना पड़ता है, वो टाइम हो जाता है इसीलिए। तो फिर बस मेरी इडली तैयार हो गई थी, और ये मैं तड़के की तैयारी कर रही थी, यही सब तड़का मैं तीनों चीज़ में डाल रही थी, सांभर में भी और दोनों चटनी में भी। तो बस इसी तरह से मेरी आज की संडे की रेसिपी यही थी। तो आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी इडली सांभर और टमाटो की चटनी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।